वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के जो आज पेट्रोल पंप संचालक थे उन्होंने जो है हड़ताल रखी। देखिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये हड़ताल रही और इस दौरान सभी आउटलेट्स जो थे तकरीबन 7000 जो पेट्रोल पंप थे राजस्थान के वो बंद हुए। वैट कम करने की मांग लगातार सरकार से पेट्रोलियम एसोसिएशन है, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, वो लगातार कर रही है। उनका कहना है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले राजस्थान में वैट अधिक होने की वजह से तेल के दाम हैं। ऐसे में जो सीमावर्ती जो पेट्रोल पंप है अन्य राज्यों से लगते हुए वहाँ पर पेट्रोल पंप लगातार बंद हो रहे हैं। लेकिन 6 बजे के बाद का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से खुल चुके हैं। हालांकि 13 तारीख आज थी, 14 तारीख को कल भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जो है पेट्रोल पंप यहाँ पर बंद रहने वाले हैं। और साफ तौर पर चेतावनी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को दी है कि यदि वैट को लेकर किसी तरह का कोई निर्णय सरकार की ओर से नहीं लिया जाता है तो फिर 15 तारीख से एक बार फिर जो पेट्रोल पंप है वो बंद किए जाएंगे। लेकिन 15 तारीख से पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बल्कि पूरे अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद रहेंगे। तो ऐसे में जो उपभोक्ता हैं उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। कुछ उपभोक्ता हैं उनसे यहाँ पर बात करने का हम प्रयास भी करेंगे। लगातार जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम है अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे अधिक है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 108 रुपये जो पेट्रोल है वो बेचा जा रहा है। लगभग 31% जो वैट है राज्य सरकार जो है वसूल करती है यहाँ पर, जबकि डीजल पे भी सबसे अधिक जो वैट है वो राजस्थान सरकार की ओर से वसूला जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी से भी जब आज प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में विचार किया जाएगा। तो कुछ अब खुला है तो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। सर सुबह 10 से 6 बंद था पेट्रोल, किस तरह की परेशानी हुई? सर ऐसे तो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच गई थी तो हमने कल ही टंकी फुल करा ली थी, बट ये है कि जैसे अगर परसों के बाद में अनडेफिनाइट कर रहे हैं कि हाँ कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल है, डेफिनेटली फिर सबको परेशानी तो होगी। बिल्कुल, आपको लगता है कि ये तेल के दाम सरकार को ले इसको लेकर कोई कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली, आप दूसरे स्टेट में आप चले जाइए 95-96 के आसपास रेट चल रहा है, हमारे राजस्थान में 108-109 रुपये रेट चल रहा है। गहलो सरकार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार साफ तौर पर जो मांग है उपभोक्ताओं की कि सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, निश्चित तौर पर कुछ और लोग भी हैं उनसे पर बातचीत करते हैं। सर किस तरह की परेशानी रही है आज पेट्रोल? सर परेशानी तो होती है, तो कहीं आदमी जा रहा होता है और बीच में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। सर आप कल भी इसी तरह के हालात रहेंगे 10 से 6 बंद रहेंगे? 10 से 6 रहेंगे तो सर लोगों को बहुत परेशानी रहेगी और लोगों के शाम को रात तक 12 बजे तक लोग लाइन में लग के पेट्रोल भराएंगे। आज उसके बाद 15 तारीख से तो पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, ऐसे अनिश्चित बता रहे हैं। उसके बाद तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। उपभोक्ताओं को जो है परेशानी लगातार यहाँ पर उठानी पड़ रही है। उनका कहना था कि जो 10 से 6 पेट्रोल पंप बंद रहे उसके बाद बहुत सारी जो परेशानी थी उनको उठानी पड़ी। एमरजेंसी में कई लोगों को यहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो है वो यहाँ पर मिल नहीं पाया। और ऐसे में अब उपभोक्ताओं को अंदेशा है कि यदि 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होती है तो फिर किस तरह से जो लोग हैं किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से परेशानी होगी। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको फ़िलहाल इससे बाहर रखा गया है, एम्बुलेंस हो, पुलिस जो के जो वाहन हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड के जो वाहन हैं जो इमरजेंसी सेवाओं में आते हैं उन वाहनों को फ़िलहाल पूरी तरीके से जो है वो बाहर रखा गया है। लेकिन अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर उसके 15 तारीख से उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। कैमरामैन अश्विन के साथ आदित्य अत्रे, द नगरी न्यूज़।